प्यारे बच्चों, आज हम रोमन संख्यांकों की बात करेंगे। रोमन संख्यांक रोमन पद्धति के अंदर लिखे गए अंक ही हैं। जैसे हम अपनी गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी गिनती है वो लिखते हैं। अब रोमन पद्धति में उसको कैसे लिखा जाता है आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप कुछ अंग्रेजी के जो हमारे अक्षर हैं उनको याद कर लीजिए। IVXLCDM 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 I का मतलब 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पहाड़े वगैरह याद करते हैं, सिर्फ एक बार इनको याद कर लेना। IVXLCDM IVXLCDM 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। अब एक के लिए मेरे पास आई है, जैसे हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे मान लेता हूं 6, 7, 8, 9, 10। तो सबसे पहले तो हम 10 तक लिख के देखेंगे और इसके बीच में ही हम नियमों को देखते रहेंगे। जब एक के लिए तो हमारे पास आई है ही, आगे दो के लिए हमें दो बार आई लेना पड़ेगा। दो बार आई मतलब यदि अब इसके ऊपर आप डंडा हम अक्सर लगा भी देते हैं और ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमारे पास क्या बन गया, दो बन गया। यदि एक अंक के संख्यांक के हम दाईं तरफ एक और अंक लिख देते हैं तो उसमें जुड़ जाएगा, एक और एक हमारे पास क्या हो गए, दो हो गया। उसके बाद तीन के लिए उसी प्रकार 1, 2, 3। अब इस चीज में ध्यान रखना है कि कोई भी अंक सिर्फ तीन बार ही रिपीट हो सकता है। आई जैसे तीन बार रिपीट हो गया, अब चार के लिए मैं 1, 2, 3, 4 इसको नहीं लिखूंगा। अब चार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पांच है, पांच उसमें से एक घटाना पड़ेगा। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि दाईं साइड कोई अंक लिखूंगा तो वो जुड़ेगा, लेकिन किसी संख्या के बाईं तरफ कोई अंक लिखा गया तो वो क्या होगा, वो घट जाएगा। जैसे पांच था ये भी हमारा, और पांच में से इधर एक घटा दिया, हमारे पास क्या बच गया, चार बच गया। अब पांच के लिए वी हमारे पास है, छह के लिए वी और एक, सात के लिए वी और दो, आठ के लिए वी और तीन, नौ के लिए अब वी और चार अंक तो हम लगातार ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम दस का इस्तेमाल करेंगे। दस में से एक हटा दो, नौ हो गया, और उसके बाद दस तो हमारे पास एक्स है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, रोमन संख्यांक 10 तक आ गए। अब इनके कुछ नियम ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी अंक तीन से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, और रिपीट हमेशा यही अंक होंगे, रिपीट हमेशा यही अंक होंगे और कोई अंक रिपीट नहीं होगा। मतलब मैं 10 के लिए दो बार पांच नहीं लिख सकता, ये V रिपीट नहीं होगा, L रिपीट नहीं होगा, D रिपीट नहीं होगा। समझ आया, मतलब 10 के लिए मेरे पास पर्टिकुलर अंक है, मैं 5 को रिपीट नहीं कर सकता, या 15 के लिए मैं कहूं कि मैं तीन बार मैंने इसको लिख दिया, मैं ये नहीं कर सकता। यदि कोई इसकी संख्या की पुनरावृत्ति होगी तो वो किस किस की होगी, सिर्फ आई की, एक्स की और सी की, इनकी ही पुनरावृत्ति करनी है और किसी की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, V, L और D घटेंगे भी नहीं किसी में से। यदि मैं कहूं कि मैं 5 लिख रहा हूं और X में से मैंने V घटा दिया तो मैं X में से V नहीं घटा सकता, पहली बात। तो इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी,
वी की, एल की और डी की, मतलब पांच जिनके आगे, पांच जिनका हम अंकित मान यदि ले लेते हैं ना, एक स्थानीय मान को छोड़ के अंकित मान यदि पांच किसी का है तो उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, प्लस वो किसी संख्या में से घटेगा भी नहीं। इसके अंदर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई को वी और एक्स इन दोनों में से ही घटाया जा सकता है, एक्स को एल और सी दोनों में से घटाया जा सकता है, और सी को डी और एम दोनों में से घटाया जा सकता है। हम एल में से आई को नहीं घटा सकते, हम डी में से एक्स को नहीं घटा सकते, हम एम में से एक्स को या आई को नहीं घटा सकते। मतलब ये जो लिखा गया है आई वी एक्स एल सी डी एम, हम घटा सकते हैं सिर्फ आई को, एक्स को और सी को, लेकिन उनके लगातार जो लिखे हुए हैं उन दोनों में से हम वी में से घटा सकते हैं, एक्स में से, एक्स को एल में से घटा सकते हैं सी में से, और सी को डी में से घटा सकते हैं एम में से। इस चीज का खास कर ध्यान रखना है आपको। 69 हमें लिखना है, 69 के लिए 9 मुझे पता है भाई 9 ऐसे आ जाएगा, वो लास्ट में है, लेकिन 60 के लिए पहले मैं 50 लूंगा, 50 फिर 10 और फिर मेरे पास क्या आ गया 9, 50 और 10 60 और 9 69। यदि मैं 125 ले रहा हूं तो पहले मेरे पास क्या है 100, क्या है C, फिर 20, 20 के लिए 10 दो बार आ जाएगा और 5 के लिए मेरे पास एक अंक है ही C X X V। यदि मैं और बड़ी और बड़ा अंक लेता हूं, चलो 98 ही ले लेता हूं मैं, 98 के लिए पहले मुझे 90 लेना पड़ेगा, लेकिन 90 तो मेरे पास है नहीं है, तो 100 है और 100 में से मैं क्या घटाऊंगा 10, C में से तो X घट सकता है, C में से X घटा दिया 90 आ गया, और अब 8 के लिए मेरे पास क्या था 5 6 7 8, 8 के लिए तो 98। तो अब हमारे पास इसके नियम कुछ ऐसे बने हैं कि हमारे पास कुछ अंक है वो शुरुआत में ही दे दिए गए हैं कि आई वी एक्स एल सी डी एम, जो कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 के लिए है। अब इसका दूसरा नियम हमारे पास क्या था कि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते, हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं सिर्फ आई की, एक्स की और सी की, आई की, एक्स की और सी की, और वो भी कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, चौथी बार उसका भी नहीं होगा। और यदि हम किसी भी संख्या को, मतलब आई के दाई साइड यदि आई आ गया तो उसको हम जोड़ के लिखेंगे, एक कितना बन गया, ये 2 बनेगा, और यदि ये बाई साइड आ गया, मतलब वी के बाई साइड आ गया, तो हम घटा के लिखेंगे, 5 में से 1 गया कितना आ गया 4 आ गया। मतलब कोई भी अंक किसी भी अंक के यदि बाई साइड आ गया तो वो घटाना है, दाई साइड आ गया तो वो जोड़ना है। दूसरी बात, V, L और D को हम किसी में से घटा नहीं सकते, मतलब उसको हम बाई साइड नहीं ले सकते। और तीसरी बात मैंने क्या कही थी कि जो I है वो सिर्फ 5 और 10 में से घट सकता है, जो X है वो L और C में से घट सकता है, जो C है वो D और M में से घट सकता है। तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए आइए कुछ प्रश्न आगे आप भी कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।